शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज तुझे हाथ मार कर दिए रागिनी, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे आज। भाई प्लीज रुक जाइए। आते नहीं छोड़ो। तुमने मुझे आज मजबूर कर दी है कि मेरे हाथों ही तुम्हारा कत्ल हो। इसके लिए चाहे मुझे जेल भी हो जाए। चाहती अब ना दीदू तुम्हें बताएंगे तुम्हारे इस पति और उसकी बहन के बारे में कि उन्होंने दीदू के साथ क्या क्या किया है। आज तुम इसका भरता बना के इसे इसकी नान याद दिला देंगे। अब श्रद्धा हम सब आपके साथ, इन लोगों की पुलिस में कंप्लेन करते हैं, वही सबक मिलेगा इनको। हाँ, और हमें हमेशा के लिए इन दोनों से छुटकारा। अरे तुम लोगों ने श्रद्धा पे हमला करके बहुत गलत काम किया। बेटा बगैर किसी से डरे सबको सच से बता दे बेटा। शाकिनी और कुणाल ने इन्होंने इन्होंने कुछ नहीं किया है। श्रद्धा अब तो झूठ मत बोलो, तुम अपने आप कार की डिक्की में कैसे बंद हो सकती हो। हम सब तुम्हारे साथ, तुम्हें किसी से भी डरने की जरूरत नहीं। बेखौफ होकर बताओ कि क्या किया इन्होंने। सच यही है कि मैंने बाहर रागिनी को किसी से बात करते हुए सुना। उनकी बात मैं ठीक तरह से सुन नहीं पा रही थी तो मैं पास जाकर सुनने गई और देखा कि गाड़ी की डिक्की खुली है तो मैं डिक्की में जाकर बैठ गई और फिर गलती से डिक्की बंद हो गई और मैं उसी में बंद हो गई। बस यही सच है। सुन लिया मैंने मुझे जो कुछ सुनना था। आप लोगों को सिर्फ मौका चाहिए मेरे कुणाल और रागिनी दी पर इल्जाम लगाने के लिए। फालतू में इतना तमाशा कर दिया ना। बड़ी सत्यवादी बनती हो ना, और इतनी आसानी से झूठ बोल दिया तुमने। बताओ क्यों बोला झूठ? ऐसा सफेद झूठ तो सिया और सानवी भी पकड़ ले तो हमारी आरती वो कैसे नहीं समझ पाई, भगवान ही जाने। दीदू यही तो मौका था आरती को उन दोनों भाई बहन का काला चेहरा दिखाने का, और आप उल्टा उन्हीं का साथ दे रही थी। वहाँ रागिनी तेरी बेशर्मी से एक एक करके हम सब पे हमला कर रही और हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे। बस करो तुम लोग, कब से देख रहा हूँ सवालों की बौछार किए जा रहे हो आप लोग। अरे क्या आप लोग श्रद्धा को समझे नहीं अभी तक? अगर उसने झूठ बोला भी है तो उसका कोई ठोस कारण होगा। अरे यही वजह तो हम इसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन ये तब से बूथ बन के खड़ी है। मैंने झूठ बोला आरती की वजह से। आप सबने देखा ना कैसे आरती का उस कुणाल पर विश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि
कि मेरी वहां हालत देखकर भी आरती को जरा सा भी कुणाल पर शक नहीं हुआ, और शक होगा भी क्यों? आरती और कुणाल ने शादी की है, पति है वो उसका। मुझे पूरा यकीन था उस वक्त अगर मैं अपनी सच्चाई बता देती तो वो कुणाल और रागिनी वो पहले से ही तैयार थे अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए। फिर हम क्या करते? फिर तो आरती को हमेशा के लिए खो देते ना। हिदू, आप सही कह रही हैं। आरती को जब हम सबकी बात समझ नहीं आ रही है, और वो कुणाल और उसकी बहन ना बदला लेने के लिए आरती के दिमाग में आपके खिलाफ जहर भरेंगे। हमें ना कोई ठोस सबूत चाहिए। कीर्ति, मैंने तो वो भी कर लिया था, कुणाल और राखिनी की सारी बातें मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें कुणाल ये कह रहा था कि कैसे वो आरती का फायदा उठा रहा है, हमारी आरती पर हंस रहा था वो। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया, पर ऐन मौके पर वो रागिनी वहां पर आ रही है और उसने की हंसी को तो मातम है, मैं बदलूंगा। पूरी उम्र कोसता रहेगा खुद को। नहीं अभय, हमारे लिए वक्त बल से नहीं दिमाग से काम लेने का है। हाँ श्रद्धा, पर इस बार हमें कोई बड़ा धमाका करना हो, तुम्हारे पास कोई प्लान है? वरुण जी, सबसे पहले इन सब की जो जड़ है हमें उसे कमजोर करना होगा। मतलब रागिनी? हाँ कीर्ति, क्योंकि वो कुणाल तो बेवकूफ है, ये रागिनी है जो कुणाल और आरती के पुराने रिश्ते का फायदा उठा रही है। हाँ श्रद्धा, तुम सही कह रही हो, कुणाल तो बस रागिनी से हमारा ध्यान हटाने का महज एक जरिया है। मेरी नजर तो हमेशा दोनों पर रहती है, एक भी घर से गया ना तो दूसरे को तो मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगा। पर कैसे? रागिनी की कमजोरी। रागिनी की क्या कमजोरी हो सकती है श्रद्धा? वो तो इतनी कमीनी औरत कि उसने अपने पति को अपने हाथों से मारा और अब आराम से घूम रही है। लेकिन उसकी कमजोरी क्या हो सकती है? उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अकेलापन। अकेले बिना कुछ खाए पिए मेरी प्यारी बीबी अगर ऐसे बैठी तो मेरा दिल तो छलनी होगा ही। एक काम कर, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला। मैं भैया को कैसे समझाऊं? तुम्हें कुछ भी समझाने का मतलब है अपना सर दीवार पर मारना? मैं प्लीज मेरी बात सुनिए। मैं कितना सुनूं और कब तक सुनूं? हमेशा तुम्हारी तो सुनता आया हूं और तुम बिना मुझसे पूछे हमारे लिए फैसले लेती आई हो। तुम तो दीदू को ऐसे सुना रहे हो जैसे वो जो भी करती है अपने लिए करती। ये मत भूलो कि आज तक दीदू ने ही हमें इस सारी मुसीबतों से बाहर निकाला है। जब मुसीबत उसकी सगी बहन लेकर आए ना तो वही निकालेगी ना, पड़ोसी तो ही ना आएंगे। अब भाई ये क्या कह रहे हैं आप? आपको तो उछलना होता है ना हर बात पे, तो बोलिए ना। देखिए कैसे हमसे बदतमीजी से बात कर रहा है ये। क्यों, गलत क्या कह रहे हो? वरुण जी, ये क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही कह रहा हूँ श्रद्धा, हमेशा तुम सही नहीं हो सकती। पहले मैं तुम्हें समझदार समझता था, लेकिन जब से ये कीर्ति वापस आई है ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इसकी आत्मा तुम्हारे अंदर चली गई है। ओहो, जैसे आप लोगों ने तो कभी कोई गलती की ही नहीं है। हम लोगों पे गुस्सा दिखाने से पहले ना अपने गिरवान में झांक कर देखिए।
मेरा मुंह मत खुलवा समझी, वरना तुमने तो इतनी गलतियां की है, तुम्हें तो एहसान मानना चाहिए मेरा कि मैं आज तक तुम्हारे साथ हूँ। बस कीजिए वरुण। अरे बस तुम दोनों करो यार, जब से तुमसे शादी हुई है एक भी दिन हम चैन से नहीं सो पाए, इससे तो हम दोनों को वारा ले लेते। अभय आप ये सोचते हैं मेरे बारे में? अरे बंद करो अपना ड्रामा। अभय तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो मेरे सामने। सोचा था शादी करूंगा, बीवी लेकर आऊंगा, विधायक उठा के लेकर आ गया हूँ, जब देखो बस भाषण सुनने को मिलता है या तो ऑर्डर देती रहती हो। अभय क्या कुछ नहीं किया है मैंने हमारे प्यार के लिए, सारी जिम्मेदारियां उठाई हैं, इतना कुछ तो किया है उसके बाद भी। अरे वाह बहुत कुछ किया ना तुम्हारे लिए, बताओ गिनाओ गिनाओ मुझे गिनाओ क्या क्या किया तुमने मेरे लिए। हाँ और मैं तो वो मांग भी नहीं सकता तुमसे, क्योंकि तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है। क्या कहा आपने, क्या कहा? अरे छोड़ो यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है, चलो भाई। नहीं छोड़ा ना आपने हमारी बुराई करने का, नाटक में इतना रियल एक्टिंग क्यों कर रहे थे आप? कीर्ति तेरी तो सिर्फ इन्होंने बुराई की, अभय ने तो मुझे धक्का ही मार दिया। सॉरी उसके लिए ज्यादा जोर से लग गया, अब मैं क्या करता, तुमने ही बोला था एक्टिंग एकदम नेचुरल लगनी चाहिए, तो वो फ्लो फ्लो में निकल गया। हाँ स्वीटू वो क्या ना कि मैं परफॉर्मेंस में एकदम घुस गया था, और इतना घुस गया कि बहुत ज्यादा ही बोल गया, अब माफ कर दो। सॉरी कीर्ति। कोई बात नहीं श्रद्धा, वो ये सब नाटक क्यों, अब तो बताओ। अब हमें रागिनी के अकेलेपन का इस्तेमाल करना होगा कुणाल और आरती को दूर करने के लिए। अब दीदू समझ नहीं आया, मतलब ये कि अभय और वरुण जी को रागिनी से प्यार का नाटक करना होगा। ये क्या बोल रही हैं आप? देखिए जिस तरह से रागिनी ने आरती के मासूमियत का इस्तेमाल किया है अपने फायदे के लिए, ठीक वैसे ही हमें भी उसके अकेलेपन का फायदा उठाना है, उसे हमारे घर और हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर करने के लिए। मेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पहली औरत होगी जो अपने पति को दूसरी औरत पे भेज रही है, वो भी प्यार करने के लिए, मैं नहीं जा रहा। भाई समझने की कोशिश कीजिए ना, सिर्फ प्यार का नाटक करना है बस। एक मिनट श्रद्धा, बात नंबर एक, ये रोज रोज की नौटंकी से ना अब मैं पूरी तरह से तंग आ चुका हूँ, और बात नंबर दो, उस औरत को देख के ना मुझे सिर्फ जोर से गुस्सा आता है, अगर उसके साथ प्यार की नौटंकी करने जाऊंगा ना तो एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। नहीं 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 हम ऐसा कुछ नहीं करने देंगे। अरे वो औरत, उसने अपने हाथों से अपने पति की जान ले ली, अगर उसे पता चल गया ना कि ये लोग नाटक कर रहे हैं, पता नहीं इनके साथ क्या क्या करेगी। नहीं नहीं देखो, एक ये पत्नी है अपने पति के साथ खड़ी है, एक मेरी वाली है जो चुड़ैल के मुंह में ढकेल रही है मुझे। आप लोग बात समझने की कोशिश कीजिए ना, सिर्फ प्यार का नाटक करना है। देखिए इन दिनों में ना मैंने रागिनी के अंदर एक चीज नोटिस की है कि जब भी वो हमें शादीशुदा जिंदगी में खुश देखती है ना, वो इस बात से बहुत चिढ़ती है। कीर्ति तुझे देखकर उसे ऐसा लगता है ना कि आज भी वो राज को माफ नहीं कर पाई है, जानती है क्यों? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आज भी आप हमारे साथ खड़े हैं, और इसी बात से वो चिढ़ती है, इसी बात से उसे गुस्सा आता है, और वो हम पर हमला करती है। तो फिर ठीक है ना, हम भी उसे वही दे देते हैं जो वो चाहती है। आप दोनों अपनी बीवियों से तंग आ चुके हैं, और इसी परेशानी में आप हमें छोड़ना चाहते हैं एक ऐसी लड़की के लिए जो शकल अकल बिजनेस सब में हमसे ऊपर है, और वो है रागिनी। अच्छा
तो तुम चाहती हो कि भाई और मैं रागनी से प्यार का नाटक करें? नहीं यार श्रद्धा, पता नहीं। तुझे पता नहीं है लेकिन मुझे पता है कि ये प्यार के वाली नौटंकी ना मुझसे नहीं होगी। देखिए आप दोनों को मानना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है। आप दोनों का दिल चाहे कुछ भी कहे, लेकिन आप दोनों को रागिनी से प्यार का नाटक करना होगा। करेंगे या नहीं आप दोनों? चुराया क्यों जब ये दिल तोड़ना ही था? Why did you do this, sweetheart? Why did you do this? चिंगारना बंद कर, गलत घर में आ गए। अरे मैं तो भूल ही गया था कि ये घर अब अपना नहीं है। एक और चीज जो गई मेरी बीवी की बेवकूफी की वजह से। बेवकूफ? हाँ बोल बोल बोल, कोशिश कर। बेवकूफ है और मेरी बीवी सर चढ़ी। कैसे तुम बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूर रही है? ऐसे घूर रही थी कच्चा चमा जाएगी। अबे फिर डरा क्यों है? चल भाग 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 भाग। अब ये क्या नया नाटक है? पीकर आया दो नशे में धुत। उनको तो मैं ऐसा दौड़ाऊंगा कि सारा नशा उतर जाएगा और खुद भी निकल ही जाएंगे यहाँ से। सुनाल तुम रुको, मैं जाके बात करती हूँ। क्या बेवकूफी है? क्या कर रहे हैं आप दोनों? पागल हो गए क्या? ये बड़ी बड़ी आंखों से देखो ना, भाग रहे हैं। अच्छा कहाँ भाग रहे हैं? तुमसे दूर भाग रहे हैं। और कहाँ भाग रहे हैं? तुम मत भागो। वरुण जी पागल हो गए, पागल हो गए क्या? एक ही जगह खड़े होके भाग रहे हैं। रुक जाइए। एक ही जगह भाग रहे थे यार, मुझे लगा इतनी देर से भाग रहे थे कम से कम कानपुर से बाहर तो निकल ही गए होंगे। वो तो दिल्ली दिख भी ना था। वरुण जी प्लीज, इस बड़ी आंखों वाली को जैसे ही हुआ जिंदगी खराब कर दी है भाई से। क्या हालत बना दी है मेरी? इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं मैं और अपने घर में मैन भी नहीं बनने देती है मुझे ये। अरे अबे तू कम से कम बिजनेसमैन तो है, मेरे पास तो इतनी सारी डिग्री है। स्वीटों की वजह से जगह जगह भीख मांग दो, नौकरी की, मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो। इन दोनों की नौटंकी मैं पूरी रात नहीं देख सकती, इनको धक्के मार के बाहर निकालती हूँ। मैं चाहता था मेरी शादी ना किसी रागिनी जैसी लड़की से। छुट्टी अपने सुनो, दिमाग से बहुत तेज है। अरे चाहता तो मैं भी यही था यार, अगर मैं राजगिरी के होता तो उसके बिजनेस को भी बड़ा करता और रागिनी को रानी को रानी बना कर रखता है, रानी बना कर रखता है। रागनी के साथ बिजनेस करने के लिए सच्चा दिल चाहिए जो मेरे पास है तेरे पास नहीं है। तेरी तो मैं आज मेरी बात सुनता है मुझे ऐसा लगता है इतनी टकर रही कहीं मुझे प्यार तो नहीं है उससे। अबे हट, प्यार तो नहीं हो गया? अबे रागनी क्यों ना मेरा जैसा मर चाहिए, मेरे जैसा। मैं रागनी को ना बड़ा खुश रखूंगा यार, पता है तो कभी कभी सपने में रागनी दिखती है। उसका सपने देखा मैं आया ना अपने प्यार की इजहार करके उसको आया मैं बोल के। अबे रोक, हट। अबे वो भाभी है तेरी? मेरी भाभी कब है? तेरी भाभी है? वो भाभी पे गलत नजर रखता है। मेरी भाभी है वो तेरी? मैंने पहले नजर रखी थी, गलत तेरी नजर है। अगली वाली तू रख लेना यार, ये वाली मुझको चाहिए यार। तेरी भाभी है, तेरी भाभी है, तेरी भाभी है। भाई बात, बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई कौन है? पहला किसका बनता है? इधर भी भाभी बनाना है।
नशा उतरा तो और अच्छे से उतारो। क्या बदतमीजी है? पागल हो गई हो क्या? शुक्र मनाइए कि अभी तक हम आपकी ये सारी बकवास शांति से सुन रहे हैं, वरना ये जो नशे में आप बकवास किए जा रहे हैं ना, बहुत भारी पड़ने वाली है आपको ये। चलिए, तुम लोगों की यही हरकतें हैं जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, दोनों कत्ती होते। चलिए चलिए घर चलिए, मुझे रागनी के पास जाना है। चलो रागनी के पास चलिए चलिए। उधर उधर कहाँ लगे जा रहे? मेरे दोनों भैया ऐसा सोचते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। अपना विश्वास और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ऊंची छलांग लगाने के चक्कर में औंधे मुंह गिरेंगे देखना तुम। और दी, आपको भी इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है, सब नाटक कर रहे हैं। चलो आरती। अच्छा, तो अगर कोई मुझसे प्यार करता है तो वो नाटक है? क्यों, क्या कमी है मुझमें? खूबसूरत हूँ, अपना बिजनेस है, पैसे वाली भी हूँ। ऐसे अभय और वरुण जैसे लड़कों के लिए मैं तो परफेक्ट हूँ। क्या बदतमीजी है, छोड़ मेरा हाथ। वहीं रुक जा, नहीं तो गोली मार दूंगा इसको। उसे कुछ भी हुआ ना तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। वहीं रुक जा, नहीं तो गोली चला दूंगा अभी। हिम्मत है तो चला गोली। किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।